जैसा कि आप देख रहे हो, आपके सामने एक डिटरमिनेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही एक अलग अलग व्यू अलग अप्रोच के थोड़ा द्वारा दिया गया है। क्या लिखा हुआ है? लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ, द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड बाय दिस। डिफिनेशन थोड़ा सा अलग तरीके से है। मैं आपको आप एक डिटरमिनेंट का एक अलग अप्रोच देना चाहती हूँ, जो कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आप निकाल सकते हो। जानते हैं जनरली डिटरमिनेंट लोग कैसे निकालते हैं? ऐसे करते हैं, यहाँ आप लिखते हैं ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। कैसे होता है? ए वन वन, ए टू टू माइनस ए टू वन, ए वन टू। सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ जाता है। तो ये मेरा सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हुआ। बट यही काम आज हम सिमेट्रिक वे में करें कि ये काफ़ी कैसे, इसको इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कैसे बना है। एक बना तो एक कोफैक्टर कोफैक्टर के थ्रू ही बना है, लेकिन आज हम इसी को सिमेट्रिक कंसेप्ट, सिमेट्रिक एस एन ग्रुप से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप इसको डिफिनेशन को तभी समझ आएगा जब आप देख रहे हैं यहाँ पे एस एन लिखा हुआ है। तो हम आज डिफिनेशन को हम एस एन मतलब सिमेट्रिक ग्रुप से ही इसको हम फॉर्म करते हैं। जैसे कि देखिए, हम जानते हैं कि मेरे पास एस टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, उसका एलिमेंट कैसे लिखेंगे? वन टू वन टू, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? वन टू टू वन। ये हमारा हुआ एस टू, ये तो हम लोग जानते हैं ये एस टू है मेरा। एंड ये क्या है मेरा आइडेंटिटी, इसको हम मान लेते हैं सिग्मा। एक चीज़ आप भी जानते होंगे कि पैरिटी साइन क्या होता है। ये मैं जानते हैं कैसा है, ये इवन है, एंड ये कैसा है? ऑड है। तो अगर इसका हम पैरिटी निकालते हैं, ये कैसा है? इवन। इसका अगर हम पैरिटी निकालते हैं तो माइनस वन का पावर क्या होगा? इवन करेंगे तो क्या आएगा? इवन है। तो आइडेंटिटी करेंगे तो क्या आएगा? वन आ जाएगा। एंड माइनस वन का पावर सिग्मा, मतलब ये ऑड फंक्शन है। तो पैरिटी मेरा क्या होता है? साइन माइनस वन हो जाएगा। आप ये चीज पढ़ोगे साइन, ये पैरिटी हमारा, ये सिमेट्रिक का फंक्शन है। माइनस वन का पावर आप आइडेंटिटी करोगे तो कि ये इवन फंक्शन है इसलिए वन देगा, और ये ऑड फंक्शन है इसलिए माइनस वन देगा। तो ये मेरा इतना काम हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे डिफिनेशन को, इसको रिजल्ट को यूज करना है। डिफिनेशन डिटरमिनेंट का डिफिनेशन क्या बोलता है? डिटरमिनेंट ऑफ, हम एस टू निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? समेशन माइनस वन का पावर, माइनस वन का पावर हम क्या करेंगे? सिग्मा। तो मेरा पहला क्या है? आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी लिखेंगे। अब यहाँ क्या होगा? ए वन जी टी का वन हो जाएगा, फिर ए टू आइडेंटिटी ऑफ टू, क्योंकि मेरा मैट्रिक्स दो तक ही चलेगा। ये आइडेंटिटी क्या करेंगे? माइनस वन का पावर, यहाँ आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर मेरा क्या है? सिग्मा। तो हम सिग्मा लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? वही ए वन सिग्मा वन, ए टू सिग्मा टू। ये मेरा हुआ, ये क्या है? सिंपल एक डिफिनेशन है। यहाँ पे एक ही था इसलिए हम एक ही फॉर्म में लिखे हैं। समेशन करना है, सबके सबके बीच हम समेशन किए हैं, क्लियर है। अब आते हैं इसमें माइनस का पावर आइडेंटिटी, ये तो इवन परमुटेशन है, जान रहे हो। तो पैरिटी अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? वन प्लस वन हो जाएगा। तो प्लस वन मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं इसमें क्या है। ए है, वन है। अब वन का इमेज आइडेंटिटी में क्या है? वन है। यह क्या हो जाएगा? वन। एंड ए टू एस एच ली है। अब टू का इमेज आइडेंटिटी में क्या होगा? टू आएगा। तो क्या लिखेंगे? टू। अब देखिए माइनस वन का पावर सिग्मा, मतलब सिग्मा मतलब ये कैसा परमुटेशन है? सिग्मा कैसा है? ऑड परमुटेशन है। तो ऑड परमुटेशन माइनस का पावर होता है तो क्या होता है? माइनस जाता है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब ए वन, ए वन रहेगा। अब वन का इमेज सिग्मा में क्या आएगा? वन का इमेज देखिए, ये सिग्मा है मेरा, वन का इमेज क्या है? टू है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू। अब यहाँ ए है, ये टू है। अब टू का इमेज सिग्मा में क्या हो जाएगा? टू का इमेज सिग्मा में क्या है? वन। तो ये हो जाएगा वन। देखिए तो ये जो डिटरमिनेंट निकला है और ये जो डिटरमिनेंट निकला है दोनों सेम है। क्या है ये जो हम जनरली जो प्रोसेस सीखे हैं उससे निकाल लें, बट ये जो प्रोसेस है ये हमारा सिमेट्रिक कंसेप्ट से है। तो ये जो हमारा ये एक अलग अप्रोच हुआ डिटरमिनेंट निकालने का। हम ये इसलिए आपको नहीं बताया जा रहा है कि आप इसी प्रोसेस से डिटरमिनेंट निकालो, बस आपको एक नया अप्रोच दिया जा रहा है डिटरमिनेंट का कि आप कैसे रिलेट कर सकते हो एस एन एंड डी एन को। मतलब किसी भी डिटरमिनेंट को आपको सिमेट्रिक से रिलेट करना है तो आप कैसे देखोगे? देखिए इस वे में भी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये आपको एक नया अप्रोच दिया जा रहा है, इसीलिए हम इस फॉर्म से आपको निकाल के दिखाया जा रहा है। अब सेम वे में हम चाहें तो आप थर्ड एस थ्री का भी कर सकते हो। एस थ्री से निकालोगे तो सिंपल आ जाएगा। एस थ्री के परमुटेशन लिखा हुआ है, तो जानते हैं ये जो परमुटेशन है ये तीनों कैसा है? ये तीनों कैसा है? ये इवन परमुटेशन है, एंड ये तीनों है ऑड परमुटेशन। ये तो फ्रेंड्स, ये तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिमेट्रिक का कंसेप्ट है, परमुटेशन का कंसेप्ट है। तो आप उसमें जाके देख सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप बता सकते हो मेरे को। ये इवन है, ऑड है। तो
तो हम सिंपल इसका अगर हम निकालेंगे पैरिटी, पहले तो हम पैक क्या करेंगे पैरिटी निकालेंगे, साइन निकालेंगे कैसा होगा, तो क्या करेंगे माइनस वन का पावर आइडेंटिटी करेंगे तो क्या आएगा ये वन आएगा, एंड माइनस वन का पावर क्या करेंगे यहाँ पे इसका नाम दिया है मैंने सिग्मा वन, तो सिग्मा वन का आप करो तो क्या आएगा वी वन आएगा, माइनस वन का पावर सिग्मा टू करोगे तो वी वन आएगा, क्यों, क्योंकि इवन है, इवन हमेशा वन देता है, एंड ऑड अगर करोगे तो क्या आएगा सिग्मा थ्री करोगे तो माइनस वन आएगा, सेम में अगर सिग्मा फोर का करोगे तो माइनस वन आएगा, एंड सिग्मा फाइव का करोगे तो माइनस वन आएगा, तो ये आपका हुआ पैरिटी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्मूला बेस्ड करके मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, देखते क्या करते हैं। सिंपल फ्रेंड्स हम इसका निकालते हैं पहले माइनस वन का पावर आइडेंटिटी, फिर ए वन आइडेंटिटी वन, ठीक है, टू आइडेंटिटी टू, फिर ए थ्री आइडेंटिटी थ्री, ये हुआ आइडेंटिटी का मेरा। अब क्या करेंगे हम, फिर आएंगे सिग्मा वन पे, तो क्या हो जाएगा माइनस वन का पावर सिग्मा वन, अब क्या करेंगे ए वन सिग्मा वन, फिर ए टू सिग्मा टू, ए थ्री सिग्मा थ्री, अब क्या करेंगे फिर से क्या करेंगे हम, अब माइनस वन का पावर क्या करेंगे सिग्मा टू, तो क्या हो जाएगा ए वन सिग्मा सिग्मा टू का टू, यहाँ वन होगा वन वन वन, फिर क्या हो जाएगा ए टू सिग्मा टू का टू, ए थ्री सिग्मा सॉरी टू का टू, सेम में हो जाएगा मेरा सिग्मा थ्री का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ए वन सिग्मा थ्री का वन हो जाएगा, फिर ए टू सिग्मा थ्री का टू हो जाएगा, फिर ए थ्री सिग्मा थ्री का थ्री हो जाएगा, फिर आप सेम में आप निकालोगे सिग्मा फोर ए वन सिग्मा फोर का वन, ए टू सिग्मा फोर का टू, ए थ्री सिग्मा फोर का थ्री, यह हो जाएगा फिर माइनस वन का पावर सिग्मा सिग्मा फाइव वन, ए टू सिग्मा फाइव टू, ए थ्री सिग्मा फाइव थ्री। अब क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, अब सिंपल क्या करना है, अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, जैसे कि देखिए माइनस वन का इवन परमुटेशन तो क्या आएगा ये वन हो जाएगा, प्लस वन को दिक्कत नहीं है, अब ए वन वन का आइडेंटिटी में क्या हो जाएगा वन, फिर ए टू का एंड में से तो टू होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब थ्री आ जाएगा, अब ये सिग्मा ये भी तो प्लस है मेरा, वन लिखिए आप वन, अब सिग्मा वन में वन का इमेज क्या आएगा, देखिए सिग्मा वन में वन का इमेज क्या है टू है, तो टू लिखेंगे यहाँ पे हम, फिर ए टू सिग्मा वन में टू का इमेज थ्री है, थ्री लिखेंगे यहाँ पे हम, और फिर ए थ्री, अब सिग्मा वन में थ्री का इमेज, सिग्मा वन में थ्री का इमेज वन, तो यह आ गया वन हो गया, प्लस सेम में क्या हो जाएगा यहाँ पे ये क्या होगा प्लस प्लस है, तो यहाँ पे ये सिग्मा टू है तो ये प्रमोशन प्लस हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा ए वन टू का इमेज सिग्मा टू में, तो टू का इमेज सिग्मा टू में क्या होगा वन, तो यहाँ लिखेंगे हम वन, सॉरी सॉरी यहाँ पे वन होगा, ठीक है, तो वन का इमेज सिग्मा टू में क्या हो जाएगा थ्री, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग थ्री, अब टू है यहाँ पे सिग्मा टू में टू का इमेज, देखिए सिग्मा टू में टू का इमेज वन है तो यहाँ लिखेंगे वन हम लोग, फिर सिग्मा थ्री यहाँ पे हो गया, सिग्मा टू में टू का इमेज क्या होगा सिग्मा टू में टू का इमेज क्या होगा वन, तो यहाँ हो जाएगा वन, ये क्लियर हो गया मेरा तीन। अब यहाँ पे आएंगे सिग्मा थ्री, सिग्मा थ्री मेरा फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ये ऑड परमुटेशन है इसीलिए ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, अब यहाँ हो जाएगा ए वन सिग्मा थ्री में वन का इमेज क्या हो जाएगा सिग्मा थ्री में वन का इमेज होगा वन, तो यहाँ आप लिखोगे वन, सेम वे में यहाँ पे टू हो जाएगा सिग्मा थ्री में टू का इमेज क्या होगा सिग्मा थ्री में टू का इमेज होगा थ्री हो जाएगा, तो यहाँ थ्री लिखो आप, फिर ए थ्री, अब थ्री का इमेज क्या हो जाएगा आप देख लो थ्री का इमेज होगा टू, तो यहाँ पे टू लिखो, फिर सेम में यहाँ माइनस हो जाएगा ए वन सिग्मा फोर का वन का इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे थ्री, ए टू टू का इमेज क्या हो गया टू, ए थ्री क्या हो गया यहाँ पे वन माइनस ए वन, फाइव में वन का इमेज क्या हो जाएगा टू, ए टू फाइव में टू का इमेज क्या हो जाएगा वन, ए थ्री थ्री का इमेज क्या हो जाएगा थ्री, तो ये हमारा हुआ डिटरमिनेंट। आप अगर डिटरमिनेंट की प्रूफ से भी निकालोगे तो स्टूडेंट्स यही आएगा, ये जो डिटरमिनेंट है मेरा आप देख लो डिटरमिनेंट निकाल के यही आएगा, तो ये जो है ये हम क्या किए हैं सिमेट्रिक प्रोसेस निकाले, सिमेट्रिक का रिलेशन बताएं आपको कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या आता है।
ये आपको एक नया अप्रोच देने की कोशिश की गई है कि आपको एक डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो आप नया अप्रोच नए तरीके से कैसे सोच सकते हो, आप कैसे इन्वेंट कर सकते हो। तो ये जो था डिटरमिनेंट आपका सिमेट्रिक्स था, तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है। आपको प्लीज बताइए मुझे ये समझ में आया है कि नहीं। आप प्लीज इसको ट्राई करना, आप डी आप 4 और S4 में ट्राई करना, आप S4 में ट्राई करना, आप देखना कि इस तरह से हो पाता कि नहीं। इससे बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल एक पैरेटिस यूज किया गया है और इवन एंड ऑड प्रमोशन का यूज किया गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है।